जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ट्रिक्स वन, ट्रिक्स टू एंड ट्रिक्स थ्री, तो दो डिजिट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन का तीन ट्रिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है हमारा, ये हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए किसी खास नंबर का होना जरूरी नहीं। ट्रिक्स क्या है, आपको करना इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो अगर हम 2 को 16 2 करते हैं तो 62 जो होगा 12 का हमको यहां लिख देना है 2, हमारा केरी बच जाएगा 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 5 को 2 से करते हैं तो 10 और 6 को 3 से करते हैं तो 63 जा 18, 18 प्लस 10, तो यहां पर आप लिख दीजिए पहले 18 और लिख दीजिए 10। तो इन तीनों को क्या करना है, 8 कर देना है। 8 और 1 ये 9 हो गया और ये हो गया 2। अब 29 का हम लोगों को यहां पर क्या लिखना है, 9 लिखना है, केरी बच जाएगा हम लोगों का 2। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 और ये 2, 15 प्लस 2 हो जाता है 17, ये हो गया हमारा। ठीक उसी तरह से इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 18 का 8, केरी बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 7 3 21 और 6 5 30, इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो 52 को हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 2, केरी बचा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 7 35, 35 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 40। ये हुआ हमारा पहला ट्रिक। दूसरे ट्रिक में क्या है, यूनिट डिजिट के नंबर को ऐड करने पर 10 आना चाहिए और 10 के प्लेस का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, तब ये ट्रिक हमारा एप्लीकेबल होगा। तो सिंपली क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 3 21, अब 6 को ठीक इसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 को 7 से करेंगे इनटू, तो 6 7 जा 42। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको देख ले तो इन दोनों की यूनिट डिजिट को ऐड करने पर 10 आता है और 10 का प्लेस जो है वो इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 4 जा 24 और 7 को ठीक इसके बाद वाली संख्या से इनटू करेंगे तो 7 8 जा 56। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा तीसरा ट्रिक में क्या है, किसी भी टू डिजिट के नंबर को अगर 11 से इनटू करना है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपली इन दोनों नंबर को आपको लिख देना होगा और बीच में इन दोनों नंबर का सम लिखना होगा। तो 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो हमारा आंसर हो गया 396। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 यहां पर 4 और इन दोनों के सम को मिडिल में लिख देना है, ये हो गया 9, तो हमारा आंसर हो गया 596।